नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ निधि पुरोहित। बढ़ते आज की खबरों की ओर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, NCP, AIIMIM, TMC, CPI, IUML, DMK, RSP ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। AIIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ एक्ट में पहले ही संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। आपको बता दें कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें। सब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर 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 इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे। ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है। जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से ये चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में